नमस्कार डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बता दें कि यही उतार चढ़ाव की संभावना फिलहाल जारी रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में धुंध और कोहरे के साथ ही बादल भी छाए हुए हैं। यहाँ के तापमान में गुरुवार को ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन कल्याणी 29 और 30 दिसंबर को प्रदेशवासियों की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवाओं के साथ प्रदेश के कुछ हिस्से में बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पचमढ़ी में 8.4 डिग्री, राजगढ़ में 8.4 डिग्री, भोपाल में 12.8, जबलपुर में 9.8, शहडोल में 7.1 और इंदौर में 13.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं जबलपुर में 27.2, भोपाल में 29.2, ग्वालियर में 25.2, इंदौर में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बता दें कि खजुराहो टीकमगढ़ में 50 से 200 मीटर और दतिया में 200 से 500 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, कटनी, सीधी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के साथ साथ उज्जैन में भी कोहरे के साथ धुंध छाई हुई है।